और सीधे चलेंगे जमशेदपुर जहां सहयोगी प्रभात इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। प्रभात, कल बजट पेश होना है और इस बजट से काफी उम्मीदें भी लगाई बैठी है। 2019-20 में देश की जो जीडीपी ग्रोथ थी उस ग्रोथ को और बढ़ाने की भी उम्मीद की जा रही है। जो जिस वर्ग के लोग हैं वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से अब? बिल्कुल जया, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि बजट आने वाला है, कल जो आने वाला जो बजट है उसको लेकर निश्चित तौर पर जो मंत्री हैं, जो सीतारमण जी महिला हैं और निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं बैठी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि महिलाओं घरेलू चीज को ज्यादा यूज करती है, छात्रा भी है। हम उस पहले छात्रा को जानना चाहते हैं कि कल जो आम बजट आने वाला है क्या अपेक्षा रखते हैं, आपकी क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए शिक्षा के लिए होना चाहिए, जो बाहरी नहीं पढ़ने सक रहे उनके लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ रिबेट मिलना चाहिए, कुछ लोन मिलना चाहिए? हाँ, वो मिलना चाहिए सब। देखिए, छात्रा का कहना है कि जो सरकार की तरफ से कुछ लोन मिलना चाहिए, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो बाहर जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं उसे कम करना चाहिए। हमारे साथ महिला भी, आप लोग घर चलाती हैं, मंत्री सीतारमण जी महिला मंत्री हैं, क्या लगता है कि इस बार का जो बजट आएगा क्या आप लोग को उम्मीद है? वो तो हम लोग कैसे बताएं, अभी गैस का दाम इतना जल्दी बढ़ जाता है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, घर में घरेलू चीजें तो कुछ कम होनी चाहिए, रोज दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते ही जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग के लिए कुछ करेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। चीनी की बात आ रही है कि राशन दुकान फिर से चीनी मिले, क्या होना चाहिए? चीनी बनेगा, राशन हम लोग का कार्ड था वो भी बंद हो गया हम लोग का, अब एकदम गरीब आदमी को कर दे रहे, बीच वाले आदमी तो इसमें पिस जाते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग के लिए भी कुछ करिए, बीच वाला आदमी को भी इसको देखना पड़ता है, बड़े आदमी को हो जाता है, गरीब आदमी का हो जाता है, हम लोग उसमें फंस जाते हैं, इसलिए हम लोग ये कुछ करेंगे तो हम लोग को भी उसमें कुछ फायदा है, हम लोग को भी चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए इनका महिला का कहना है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो लोग के लिए कटौती कर दिया गया था, जैसे राशन कार्ड के लिए बात जो की जा रही है, कहीं ना कहीं जो बातें आ रही सामने, क्या लगता है कल जो बजट आने वाला है क्या अपेक्षा है आप लोगों का? हम लोग को इतनी ही अपेक्षा है कि घर का बजट हमारा संतुलित रहे, हर साल बजट बनता है लेकिन कुछ वैसा फायदा नहीं होता है, दोबारा आई है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो, खासकर गृहिणियों के लिए। ये बात कही गई थी गृहिणियों के लिए अगर 50 लाख अगर आप लोन लेती है तो 25 लाख तक का गारंटी सरकार बनेगी, तो क्या कहना है इस पे? तो क्या हमें लोन मिलेगा? बिल्कुल, अगर आप लोन अप्लाई करती हैं। हाँ तो हम लेना चाहेंगे, सरकार अगर देती है तो। चलिए ठीक है, देखिए महिला कह रहा है कि अगर सरकार लोन देगी तो सरकार से लोन लेकर ये लोग जो क्योंकि प्रचंड बहुमत मिली थी सरकार को और उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सहयोगी अरुण वर्णवाल भी इस वक्त हमारे साथ धनबाद से सीधे जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग, कल बजट आने वाला है, एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव हुए ऐसे में सरकार को प्रचंड बहुमत मिली तो उम्मीदें भी लोगों को काफी होंगी इस सरकार से? निश्चित रूप से जाया कहें तो देखिए, जिस प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी ने दोबारा अपने केंद्र में सरकार बनाया है, लोगों की काफी अपेक्षाएं हैं, ना सिर्फ व्यवसाय जगत में बल्कि आम जनता को भी बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं। और कल जो इस सरकार की जो पहली बजट पेश होने जा रही है उसमें लोग, खास करके व्यवसायी वर्ग, यहाँ हमारे साथ कुछ बहुत सारे लोग हैं, इनकी क्या अपेक्षा है? चलते हैं सीधे उनसे ही जुड़कर सीधे पूछते हैं जो इस बार जो मोदी जी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं तो किस तरह की अपेक्षा व्यवसाय जगत को कम से कम है? सबसे पहले तो सर यही बताइए, मोदी जी प्रचंड बहुमत से इस बार आए, 2-3 घोषणाएं उन्होंने व्यापार की, 50 लाख तक बगैर सिक्योरिटी के, छोटे व्यापारियों को पेंशन, क्या लग रहा है आपको और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपसे? अपेक्षाएं की कोई सीमा नहीं है, अपेक्षाएं तो है ही, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिन किसी कारणों से व्यापार में मंदी छाई हुई है, इस मंदी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए तो उनके पास आर्थिक विशेषज्ञों की कमी नहीं है। उन आर्थिक विशेषज्ञों की राय लेकर व्यापार को तीव्र करने के लिए, ये मंदी को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करें। हमारा कुछ सुझाव इसमें है, पेट्रोलियम को जीएसटी के साथ जोड़ दिया जाए ताकि उसका इनपुट मिले, बिजली को जीएसटी के साथ जोड़ा जाए ताकि उसका इनपुट मिले जी। आप कोई व्हीकल खरीदते हैं उसमें आप जीएसटी का बड़ा भुगतान करते हैं और आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं उसको जीएसटी का सुविधा दिया जाए, तो ये सारे बहुत मुद्दे हैं। कुछ आर्थिक सुधारों की जरूरत है, आप युवा क्या कुछ बजट में केंद्र सरकार, मोदी जी का अंतरिम बजट उसमें शिक्षा का बजट बहुत कम था
और इस बार शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए और खास करके धनबाद में जो हवाई अड्डा का मुद्दा है वो हमेशा उठते रहा है और हम बहुत सालों से ये जनता की मांग गई है कि धनबाद को हवाई अड्डा मिले और जो उड़ान स्कीम है मोदी जी की उसके तहत धनबाद को हवाई अड्डा दिया जाए। देखिए यहाँ पे निश्चित रूप से जो एयरपोर्ट का बहुत अरसे से डिमांड था, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं इस सरकार से आपकी इस बजट में? पहली बजट मोदी जी अभी दूसरे कार्यकाल में बनाने जा रहे हैं, इसके पहले भी यही सरकार थी, आश्वासन मिला था कि बनेगा, अभी तक कोई किसी प्रकार घोषणा नहीं हुआ है। अगर घोषणा होता है तो ये धनबाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? बिल्कुल, उम्मीद जो है वो लोगों को काफी है, अब देखना ये है कि उम्मीद फुलफिल हो पाती है या नहीं। प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, प्रभात का रुख कर लेते हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बजट को लेकर, क्या क्या उम्मीदें हैं महिलाओं के लिए? प्रभात जरा सीधा महिलाओं से जुड़ते हैं कि देखिए कल जो बजट आने वाली है क्या उम्मीद है, मंत्री भी महिला है, क्या लगता है कि आप लोगों की ओर ध्यान देगी? हमें भी तो लग रहा है कि हमारे तो ध्यान देगी, अब मोदी सरकार आई है तो हमें भी तो फायदा होना ही चाहिए। हमारे बच्चों की देखिए आए दिन फीसें बढ़ती रहती है, सैलरी तीन सालों की बढ़ती नहीं, उसके हिसाब से भी होना चाहिए हमारे लिए भी। शिक्षा के क्षेत्र में भी करना चाहिए, मतलब हाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी करना चाहिए, बच्चों के लिए उम्मीद करते हैं, जैसे गैस की महंगी हो रही है, राशन इतनी महंगी हो रही है, वो सबके लिए भी होनी चाहिए सरकार को। देखिए जया जो घरेलू सामान है वो किसकी दाम कम होनी चाहिए, प्रभात जो महंगाई है उस महंगाई से निजात चाहती है महिलाएं ताकि उनका किचन का जायका जो है वो ना बिगड़े। सहयोगी अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण आपके साथ व्यापारी वर्ग के लोग जुड़े हैं, जीएसटी की मार लगातार व्यापारियों पर भी पड़ रही है, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से कमी हो जीएसटी पे? हाँ निश्चित रूप से जया, देखिए दीपक जी जीएसटी एक बहुत ही जिस तरह से सरकार लाई इसको सुलभ बना के, व्यापारियों ने बहुत विरोध किया, बाद में इसको धीरे धीरे आत्मसात कर रहे हैं, इसमें क्या और कुछ सुधार की डिमांड है? इसमें अभी बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है क्योंकि जो कि अभी भी टैक्सेस का जो स्ट्रक्चर है खास करके जीएसटी के अंदर में तो वो अभी तक सीधा मतलब कि जो जो मतलब कि नीचे तबके के लोग हैं या जो परचेजर हैं या जो बायर हैं उनको सही लाभ अभी भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि जो 12.5% 18% और अभी भी जो स्ट्रक्चर चल रहा है इसमें बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स में भी जो स्ट्रक्चर है जो पिछले बजट में जो अंतरिम बजट था और उसके अंदर में जो 5 लाख वाला जो छूट का प्रावधान था वो भी एक तरह से कैमोफ्लेज था, मान लीजिए कि ठीक है अब तो इलेक्शन का दौर खत्म हो चुका है, अब तो हम वास्तविकता पे हैं और आगामी 5 साल तक काम करेंगे, तो उसके अंदर में बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। निश्चित बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। जिला चैंबर के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं जया, इनसे भी जानते हैं जो और क्या कुछ अपेक्षा है, किस तरह की अपेक्षा है? मोदी जी ने दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना लिया है अपना, कल पहली बजट पेश करने जा रहे हैं। देखिए लोगों को आशाएं 2014 में भी थी, उससे आशाएं ज्यादा बढ़ के 2019 में हुई, लेकिन मोदी जी जो व्यवसाय जगत है उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के नहीं चल पा रहे हैं। आज कॉटेज इंडस्ट्री और एसएमई सेक्टर को सहायता की जरूरत है क्योंकि चाइना और चाइना से जब सरकार बैन कर रही है तो इंडोनेशिया के माध्यम से पूरे कंट्री में माल डंपिंग हो रही है। इस चीज को मोदी जी जब तक नहीं रोकेंगे इंडिया का कॉटेज इंडस्ट्री और एसएमई सेक्टर जो है एकदम बुरी स्थिति में है, और जो रोजगार की बात है जब ये दोनों सेक्टर अगर बुरी स्थिति में है तो रोजगार निश्चित। तो उम्मीद लोगों को काफी है, पहला बजट पेश हो रहा है, एक तरफ जहां प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, ऐसे में महिला हो या पुरुष हर वर्ग के लोगों को कल के बजट से उम्मीदें हैं। अरुण बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रभात भी हमारे साथ जुड़े थे जमशेदपुर से, प्रभात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन होंगे हाजिर। सच है तो दिखेगा।